अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ तला हुआ गोश्त, जो टमाटर के साथ मैं तलती हूँ सिंपल स्टाइल में, वेरी क्विक एंड ईजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गोश्त अच्छे से गल गया था, तो मैंने जो है इसको कढ़ाई में निकाल लिया है ताकि इसका जो रेस्ट हुआ हुआ पानी है वो भी सूख जाए। लेकिन इस टाइम पे मैं ऐड करूँगी इसमें टमाटर, 2 बड़े से टमाटर है ये, इसको इसमें ऐड करके पानी के साथ इसको भी हम थोड़ी देर के लिए मैं टेंडर कर लेंगे। ये देखिए ये 2 मिर्चियों को बीच में से हाफ़ करके डाल देंगे। ये देखिए इसके साथ साथ मैं डालूँगी ये करिया पाक। अब इस पर थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारे टमाटर गल नहीं जाते, ठीक है। ये देखिए हमारे टमाटर पूरी तरह से अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, थोड़े कुछ बाकी हैं वो बाकी का तलने में गल जाएंगे। मैंने इसमें तेल भी ऐड कर दिया था अभी, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑयल ऐड कर लेके इसको थोड़ा सा अच्छे से पका ले तब तक। उसके बाद इसमें एंड में हम मसाले डालेंगे। ये बहुत टेस्टी डिलीशियस बनेगा सिंपल सा तला हुआ गोश्त, ना ही सूखा ये मसाला वाला बन जाएगा। मतलब आप रोटी से भी लगा कर खा सकते हैं, किसी पतले सालन के साथ या खट्टी दाल के साथ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका, ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए आप जैसे कि देख रहे हैं तेल हमारा साइड में तली छोड़ चुका है और हमारे मसाला जो है टमाटे का बहुत ही अच्छे से भुना गया है। उस टाइम पे मैंने थोड़ी सी हल्दी, अदरक, लहसुन और नमक ऐड किया था, उसको भी फ्राई कर लिया, तकरीबन वो भी हो गए हैं। अब आप क्या करें, आपके पास जो भी हो, मेरे पास ये एवरेस्ट का चिकन मसाला है, ये डालें एंड में दम पे, और लाल मिर्च डालकर और नींबू भी डालें, बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए तैयार है हमारा तला हुआ गोश्त टमाटर का, बहुत ही सिंपल, अदरक लहसुन नमक हल्दी चिकन मसाला नींबू डाल के बना लिया है। अब दम पर हम कोरिएंडर गार्निशिंग करेंगे, बहुत ही टेस्टी बना है, यू शुड हैव टू बी ट्राई दिस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।